दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्नोवेक्सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। ASUS ने लॉन्च कर दिया ASUS ZenFone Max Pro M2 और ASUS ZenFone Max M2। ये दोनों स्मार्टफोन अच्छे फीचर्स के साथ आए हैं और अच्छे प्राइस पे आए हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा है मैक्स M2 में। स्पेसिफिकेशन ठीक है, प्राइस भी अच्छा है, लेकिन अगर आप दूसरे स्मार्टफोन्स की तरफ देखोगे तो ऐसे ही स्पेसिफिकेशन वाले या इससे अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आपको इसी प्राइस पे स्मार्टफोन मिल जाएंगे। दोस्तों उनमें से कुछ स्मार्टफोन की बात करूं तो जिसमें आता है सबसे पहला आपका नोकिया का 5.1 प्लस, उसके बाद ये ASUS का ZenFone Max Pro M1। अगर आप बात करोगे इन दोनों स्मार्टफोन की तो इससे अच्छे प्रोसेसर वाले और इससे अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं ये सब, और लगभग इसी प्राइस पे ही हैं। 1000 ज़्यादा थे बट अभी प्राइस कम हो गया है। तो इस वीडियो में मैं कंपेयरिंग करूंगा ASUS के ही दो स्मार्टफोन की और देखूंगा कि दोनों में कौन सा अच्छा है, ASUS का ZenFone Max M2 या ASUS का ZenFone Max Pro M1, क्योंकि दोनों का प्राइस लगभग सेम है 10,000 के आसपास। चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, नहीं पसंद आया तो अनलाइक करना, मुझे बताना क्यों नहीं पसंद आया। दोस्तों चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। डिजाइन की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन बैक साइड से सेम दिखते हैं, मेटल बॉडी है, ड्यूल कैमरा का सेटअप है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, नीचे ASUS की ब्रांडिंग है। फ्रंट साइड से आओगे तो डिस्प्ले की बात करें अगर तो ASUS ZenFone Max Pro M1 में आपको 6 इंच का फुल HD प्लस का डिस्प्ले मिलेगा जिसमें नॉच नहीं है। फुल HD प्लस का डिस्प्ले है, नॉच नहीं है बट फुल HD प्लस का डिस्प्ले है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करोगे तो इसमें आपको 76% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है जो कि 18:9 के एस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है। उसके बाद मैक्स M2 की बात करोगे तो इसमें 6.2 इंच का डिस्प्ले है, फुल HD नहीं है। इसमें नॉच दिया हुआ है जो कि 19:9 के एस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है, लेकिन डिस्प्ले जो है दोस्तों HD प्लस का दिया हुआ है। तो अगर आप ओवरऑल कंपेयरिंग करोगे तो इसमें M2 में आपको HD प्लस का डिस्प्ले मिलता है, प्रो M1 में अगर आप बात करोगे तो इसमें फुल HD प्लस का डिस्प्ले मिलता है। तो अगर आपको नॉच बहुत ज़्यादा फर्क नहीं डालता आपकी पसंद में तो अपर हैंड इसमें रखता है मैक्स प्रो M1, क्योंकि इसके डिस्प्ले की क्वालिटी जो है दोस्तों वो ज़्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू M2। इसके बाद बात करें परफॉर्मेंस की तो परफॉर्मेंस में भी ASUS ZenFone Max Pro M1 जो है वो कहीं आगे है ASUS ZenFone Max M2 से, क्योंकि मैक्स M2 में आपको स्नैपड्रैगन 632 का प्रोसेसर मिलता है, मैक्स प्रो M1 में आपको स्नैपड्रैगन 636 का प्रोसेसर मिलता है। अब दोनों प्रोसेसर को कंपेयर करोगे तो 636 जो है वो 20-25% फास्टर है 632 से। अब इनके कोर्स की बात कर लें दोस्तों तो 632 जो स्नैपड्रैगन 632 है दोस्तों उसमें 8 कोर होते हैं, 8 कोर 1.8 GHz पे क्लॉक्ड होते हैं, लेकिन इसमें से 4 कोर जो है दोस्तों वो क्रायो 250 पे आता है जो कि क्रायो 250 गोल्ड है। उसके बाद बाकी 4 जो कोर हैं वो भी क्रायो 250 पे आते हैं बट वो क्रायो 250 सिल्वर होते हैं। इसके बाद अगर आप बात करोगे Max Pro M1 में स्नैपड्रैगन 636 की, इसमें 8 कोर 1.8 GHz पे तो क्लॉक्ड है बट उनका जो कोर्स है दोस्तों वो क्रायो 260 पे आते हैं, 250 पे नहीं 260 पे आते हैं। तो कोर्स में डिफरेंसेस हैं, इसीलिए ये ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू Max Pro M2, क्योंकि अगर आप स्नैपड्रैगन 632 की बात करोगे तो उसका अंतुतु बेंचमार्क जो है दोस्तों 1,02,000 1,03,000 के आसपास आता है। उसके बदले स्नैपड्रैगन 636 की बात करोगे तो उसका बेंचमार्क स्कोर जो है दोस्तों 1,20,000 के आसपास आता है। तो दोनों में फर्क तो आपको पता चल गया होगा, बेंचमार्क की सारी बातें नहीं होती लेकिन स्टिल अगर आप देखना चाहते हो तो वहाँ पे 636 ज़्यादा बेटर है। गेमिंग एंड ग्राफिक्स की बात करोगे तो वहाँ पे भी 636 बेटर है, क्योंकि इसमें Adreno 509 आता है जो कि ज़्यादा बेटर है Adreno 506 से जो कि आपको 632 में मिलता है। दोस्तों Adreno 506 जो है दोस्तों वो Snapdragon 450 में भी आता है जो कि गेमिंग के लिए ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं है। 509 थोड़ा अपर हैंड रखता है, तो अगर आपको गेमिंग के लिए भी स्मार्टफोन चाहिए तो आप ASUS के ZenFone Max Pro M1 की तरफ जा सकते हो, M2 को थोड़ा सा साइड में रख देना। दोस्तों दोनों स्मार्टफोन स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आते हैं तो यहाँ पे कोई इशू होने वाला नहीं है। स्टॉक एंड्रॉइड के जो बेनिफिट्स हैं आपको मिलेंगे, जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ेंगे तो ज़्यादा इशूज इसमें आने वाले नहीं है। अब लोग ये सोचेंगे कि स्टॉक एंड्रॉइड में प्रॉब्लम्स क्या होते हैं कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो उसमें, जिनको स्टॉक एंड्रॉइड मालूम हो उनको पता होगा कि यहाँ पे कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो मिलते नहीं है, क्योंकि वो प्योर और क्लीन होता है तो यहाँ पे इसमें कुछ मिक्सचर होता नहीं है। तो कुछ ऐसे जैसे नेटिव कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग जो होता है दोस्तों वो नहीं मिलता आपको नेटिव वीडियो कॉलिंग। उसके बाद इसका फेस अनलॉक जो होता है उतना ट्रस्टेड नहीं होता। ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं, अभी बताने बैठेंगे तो सारी चीज़ें चली जाएंगी। तो ये सारे आपको बेनिफिट्स और जो भी उसके प्रॉब्लम्स हैं सब फेस करने पड़ेंगे। अगर आपको एक अच्छा कैमरा स्मार्टफोन चाहिए तो आप ASUS ZenFone Max M2 की तरफ देख सकते हो। चलो आप कहोगे कुछ तो अच्छा कहा इन्होंने। ASUS ZenFone Max M2 की बात करें तो इसमें 13+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा का सेटअप है जिसका अपर्चर f1.8 का है और इसमें आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिलता है। बैक साइड पे फ्लैश है। फ्रंट साइड की बात करें तो वहाँ पे 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है जिसका अपर्चर f2.0 का है
और यहाँ पे भी आपको फ्लैश मिलता है दोस्तों, और इससे आप 1080 रिजोल्यूशन वाले वीडियोस रिकॉर्ड भी कर सकते हो। अगर इसके बदले आप आओगे Zenfone Max Pro M1 में, तो इसमें 13+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा का सेटअप है, जहाँ से आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन इसका अपर्चर थोड़ा वीक है, f2.2 का है, यानी लो लाइट सेल्फीज के लिए Max M2 जो है वो ज्यादा बेटर है Max Pro M1 से। फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ भी आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर f2.2 का है, और ये भी आपको 1080 पिक्सल वाले रिजोल्यूशन वाले वीडियोस दे देगा दोस्तों। तो अपर्चर के मामले में थोड़ा सा वीक है, इसीलिए लो लाइट सेल्फीज के लिए, लो लाइट फोटोग्राफी के लिए आप फोन देख रहे हो तो Max M2 की तरफ देखना, Max Pro M1 की तरफ मत देखना दोस्तों। अब आते हैं कि जूस कहां से मिलेगा, पावर कहां से मिलेगा दोस्तों। बैटरी डिपार्टमेंट में, बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन अच्छे हैं, लेकिन Max Pro M1 में मिलती है 5000 mAh की बैटरी, जिसके बदले Max M2 में सिर्फ आपको मिलती है 4000 mAh की बैटरी। Max Pro M1 में आपको फास्ट चार्ज का सपोर्ट नहीं मिलता, नॉर्मल USB 2.0 का पोर्ट है, और यही चीज आपको Max M2 में मिलता है। यहाँ पे भी आपको नॉर्मल USB 2.0 का ही पोर्ट मिलता है, और यहाँ भी आपको फास्ट चार्ज का सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन 1000 mAh बैटरी ज़्यादा होने की वजह से Max Pro M1 रखता है यहाँ पे थोड़ा सा अपर हैंड। सेंसर्स की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में सारे सेंसर्स मिल जाएंगे आपको, जायरोस्कोप से लेकर एक्सेलेरोमीटर तक, एम्बिएंट लाइट सेंसर से लेकर कॉम्पास तक, मैग्नेटोमीटर तो कॉम्पास को कहते हैं, उसके बाद फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक, सब कुछ मिल जाएगा, कोई इशू होने वाले नहीं दोनों में, दोनों स्मार्टफोन इसमें देते हैं एक दूसरे को कड़ी टक्कर। अब आते हैं प्राइस पे, तो Max M2 जो है दोस्तों, इसमें दो वेरिएंट आया हुआ है, एक 3GB 32GB वाला, दूसरा 4GB 64GB वाला। 3GB 32GB वाला उसका प्राइस है दोस्तों 10,000 रुपये, 4GB 64GB वाला है दोस्तों उसका प्राइस रखा है 13,000 रुपये। इसके पहले Max Pro M1 की बात करोगे तो वहाँ पे 3GB 32GB वाला पहले 11,000 का था, अब 1,000 प्राइस कम कर दिया, तो नॉर्मली आपको 10,000 रुपये में स्मार्टफोन मिल जाएगा। 4GB 64GB वाला पहले 13,000 रुपये था, तो अब 1,000 कम किया, तो ये भी आपको 12,000 रुपये में मिल जाएगा। 6GB रैम वाला वेरिएंट चाहिए जो कि 15,000 में आया हुआ था, तो उसका भी 1,500 प्राइस कम किया है, तो आपको 14,000 तक ये स्मार्टफोन मिल जाएगा दोस्तों। दोनों में आपको डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट मिलते हैं, जिसमें आप मेमोरी कार्ड से दो सिम कार्ड तक लगा सकते हो, दो सिम कार्ड के साथ साथ मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, तो इश्यूज वहाँ भी होने वाले नहीं है दोस्तों। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हो तो मैं बताता हूँ, अगर आपको नॉच वाला डिस्प्ले चाहिए, एक अच्छे कैमरा स्मार्टफोन जो कि थोड़ा सा हल्का हो वेट में, तो आप नए वाले स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो जो कि है Max M2। अगर आपको एक फुल एच डी प्लस डिस्प्ले वाला फोन 5000 mAh की बैटरी के साथ चाहिए दोस्तों, और उसका परफॉर्मेंस भी हो कमाल का, तो आप जाइए Max Pro M1 की तरफ। मुझे लगता है अगर आप प्राइस टू परफॉर्मेंस देखोगे दोस्तों, तो Max Pro M1 ज्यादा आगे है एज कम्पेयर टू Max M2 अभी के लिए भी। तो अगर आपको एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए, तो मैं कहूंगा कि Max Pro M1 की तरफ आप जाइए एज कम्पेयर टू Max M2। आपको क्या लगता है, कौन सा वाला स्मार्टफोन अच्छा लगता है दोनों में, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। कैसे लगे दोनों स्मार्टफोन, पसंद आया या नहीं, वीडियो कैसा लगा दोस्तों, पसंद आया या नहीं जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, लिखिए लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिए। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे, उन्हें भी आप चेक कर सकते हो, और दोस्तों कमेंट करना मत भूलिए, और सपोर्ट भी कर सकते हो, सपोर्ट करने के लिए कुछ खास नहीं करना है, साइड में देखो वेक्टर इमेज, उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।